हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा। हम डिस्कस कर रहे थे 600 BC की पॉलिटिकल कंडीशन, 6th century BC की पॉलिटिकल कंडीशन, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 46 तक कवर कर लिया है। उसके आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। इसमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट इज़ द 6th century BC वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट रिलीजियस अपहेवल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये वाला स्टेटमेंट ठीक है। 6th century BC में हम देखते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे रिलीजन्स डेवलप हो रहे थे। सेकंड स्टेटमेंट है द वैदिक रिलीजन हैड बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। 600 BC के ऑनवर्ड वैदिक रिलीजन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया था। अगर वैदिक रिलीजन की बात करें तो वैदिक पीरियड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इसका जिसका टाइम पीरियड है 1500 BC से लेकर 600 BC, ये तो वैदिक पीरियड है पूरा। अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 1500 से लेके 1000 BC तक का अर्ली वैदिक पीरियड एंड 1000 BC से लेके 600 BC तक का जो पीरियड है उसको कहा जाता है लेटर वैदिक पीरियड। तो 600 यानी कि 1000 से लेके 600 BC के बीच वाला पीरियड जो था, यहाँ ये पीरियड में वैदिक रिलीजन डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाता है। इसमें बहुत सारे पॉलिटेंट आ जाते हैं, बहुत करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया था बाय 6th century BC। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे, सही होंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है इसमें। मैनी रिलीजियस सेक्ट्स केम इन टू एग्जिस्टेंस अक्रॉस द मिडल गंगा वैली ऑफ नदर्न इंडिया ड्यूरिंग 6th century BC, विच विटनेस एन इंटेलेक्चुअल एनवायरमेंट ड्यू टू द एमरजेंस ऑफ मैनी न्यू फेथ्स एंड बिलीव्स। द हर्मिट्स फॉलोइंग डिफरेंट फेथ्स स्टार्टेड प्रीचिंग देयर थाट्स एंड डिस्क्लेमिंग ईच अदर्स फिलोसफीज। इट शुड बी नोटेड ड्यूरिंग दैट टाइम सच टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स वॉज ऑल्सो इमर्ज्ड इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कन्फ्यूसियस, ज़रथुस्त्र एंड Pythagoras were the people who challenged the traditional assumption in China, Iran and Greece respectively. Vedic religion became complicated. There was more focus on purity of shloka and yajnas. As a result, the importance of priests increased enormously. It began to spend much money on yajna and also motivated animal killings. So, sacrificial rituals bahut zyada badh gaye the. श्लोक और यज्ञ की प्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा और प्रीस्ट यानी कि जो ब्राह्मण क्लासेस थी उनमें इंक्रीमेंट हुआ। यानी कि जो ऐसा कहा जाता था कि यज्ञ और जो रिचुअल्स है वो केवल ब्राह्मण्स ही प्रैक्टिस करेंगे, नॉट लोअर क्लास पीपल। तो इसीलिए कहा गया है कि लेटर वैदिक पीरियड में जो वैदिक रिलीजन है वो कॉम्प्लेक्स हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवका द फेमस फिजिशियन ऑफ द टाइम ऑफ द टाइम ऑफ महात्मा बुद्ध वाज एसोसिएटेड विद हुज कोर्ट। तो किसके कोर्ट में थे जीवक? ये थे बिंबिसार के कोर्ट में। बिंबिसार ने जीवक को अवंती के किंग के लिए भेजा था जब उनकी तबीयत खराब थी। तो जीवक किसके कंटेम्प्रेरी हुए? बिंबिसार के एंड बुद्ध के। यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाउन ऑफ कल्पी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो कौन से बैंक पे कल्पी सिचुएटेड था? तो इट वॉज ऑन द बैंक ऑफ यमुना। द टाउन कल्पी इज सिचुएटेड इन द जालौन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड इट वॉज फेमस एज कल्प्रिय विच वॉज लेटर नोन एज कल्पी। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग 4th century BC बाय द किंग वासुदेव। नेक्स्ट इज एंशियंट प्लेसेस है और उनकी कैपिटल है कुरु एंड पांचाल, कौशल, वत्स, ये बताना है। तो पांचाल की कैपिटल है अहिच्छत्र, कौशल की कैपिटल थी
कौशाम्बी तो वत्स की है, एंड कौशल कुरु की इंद्रप्रस्थ है, कुरु की इंद्रप्रस्थ है, कुरु उधर ए नंबर पे लिखा था, तो कौशल की यहाँ पे लिखी है साकेत। तो देख लीजिए यहाँ पे आंसर बी होगा इसका। नेक्स्ट इज, इसमें भी महाजनपद है जैन, उसकी कैपिटल है, तो कुरु की इंद्रप्रस्थ है, मत्स्य की विराटनगर है, एंड अश्मक की पोतन है, सूरसेन की मथुरा है। देख लीजिए ऑप्शन सी इसका आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, वही इसमें भी कैपिटल पूछा है। देखिए बहुत ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है ये, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अभी भी। तो अंग की चंपा है, बिल्कुल ठीक है। कौशल की अहिछत्र नहीं है, वत्स की कौशाम्बी है, मत्स्य की विराटनगर है, तो कौशल की कैपिटल साकेत है या फिर श्रावस्ती। कौशल की कैपिटल श्रावस्ती है, नॉट अहिछत्र। तो ये वाला यहाँ गलत था। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो कुछ मेडिवल सिटीज़ हैं उत्तर प्रदेश की, और प्रेजेंट डे में वो किस नाम से जानी जाती है ये बताना है। तो कोइल, अलीगढ़, ये ठीक है। महोत्सव नगर महोबा को कहा जाता था, महोदयश्री कन्नौज को कहा जाता था, जैजाब मुक्ति ये कौशाम्बी को नहीं कहा जाता था, जैजाक भी मुक्ति, जैजाक भुक्ति मेडिवल टाइम में बुंदेलखंड को कहा जाता था। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ कर्नाटका डायनेस्टी, तो कर्नाटक डायनेस्टी के लास्ट किंग थे हरिसिम्हा। लास्ट रूलर ऑफ कर्नाटका डायनेस्टी वॉज हरिसिम्हा देव, ही वॉज अ ग्रेट पेट्रोन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, ही वॉज द प्रो फाउंडर ऑफ पंजी सिस्टम। सो दिस वॉज ऑल अबाउट 6th century BCE। नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा ग्रीक्स का इन्वेजन, जो कि 6th century BC से शुरू हो गया था।